Hi everyone, this is Anuj and I'm your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundline by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ना, ये Q&A वीडियो होने वाली है. Q&A वीडियो किस पे होने वाली है? दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर. ठीक है, आप में से बहुत सारे 20 के करीब सवाल आपने जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी अभी एक दो दिन पहले उसके ऊपर आपने सवाल पूछे थे, तो उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा. सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहले हम सवाल लेंगे वो सवाल हम लेंगे अंजू मेहरा यूपीएससी ड्रीमर के. उन्होंने 11 सवाल हमसे पूछे हैं एक ही पूरे के कमेंट के अंदर. सो हम उनके 11 के 11 सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं. तो उनका जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या संडे को हॉलीडे मिलता है, क्या संडे ऑफ होता है ट्रेनिंग के अंदर? तो जी हां अंजू जी, जो आपका संडे है वो ऑफ मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर जा सकते हैं, आप दोस्तों से मिलने जा सकते हैं, आपको एकेडमी के अंदर ही रहना होगा, बट संडे आपका ऑफ रहता है, आपके पास पूरा टाइम रहता है और आप उस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं स्टडी में या आपकी जो फर्दर कोई काम है उनके अंदर. अब अंजू जी का दूसरा सवाल है कि क्या जो यूनिफॉर्म है वो हमें खुद साफ करनी पड़ती है, हमें कोई साफ करके देता है? तो यहां पर ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको हर चीज के अंदर पारंगत करना, आपका डेवलपमेंट करना, हाउ टू पॉलिश योर शू, हाउ टू मेंटेन योर यूनिफॉर्म, हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ, ये सारी चीजें किस में आती है? ट्रेनिंग में. ट्रेनिंग आपकी ये नहीं है कि सिर्फ उछल कूद करना है आपको, ना, ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन में रहना, आपको अपनी चीजें मेंटेन करनी आनी. सो आपको अपनी यूनिफॉर्म खुद साफ करनी होगी, आपको अपने शू खुद पॉलिश करने होंगे, एवरीथिंग आपको खुद ही करनी होगी जिससे कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको पूरा डेवलपमेंट आपका हो सके. ठीक है, सो आपको अपनी यूनिफॉर्म खुद ही धोनी पड़ेगी जो आपको टाइम मिलेगा, गैप मिलेगा उसके अंदर. ठीक है, अगला, ट्रेनिंग में कितने का टाइम मिलता है जिससे हम अपनी स्टडी कर सके? तो देखिए ट्रेनिंग के अंदर आपको आपका सेपरेट टाइम तो मिलेगा नहीं कि भाई आपको स्टडी करनी है तो आपको 6 घंटे का हम समय दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा आपको, है ना. आपको जो लंच ब्रेक मिलेगा, जो टी ब्रेक मिलेगा, जो आफ्टर डिनर जो आपको टाइम मिल रहा है उसी टाइम के अंदर आपको मैनेज करना है कि आपको स्टडी भी करनी है, आपको अपनी यूनिफॉर्म भी मेंटेन करनी है, आपको अपने शू पॉलिश करने हैं, आपको अगले दिन का शेड्यूल भी फॉलो करना है, आपको वहां की ट्रेनिंग भी देखनी है और आपको अपना आगे फ्यूचर के लिए भी देखना है. सो आपको उसी टाइम में से मैनेज करना है कि आपको कितनी देर सोना है, कितनी देर पढ़ना है, कब उठना है. आपको सेपरेट टाइम नहीं दिया जाता, आपको अपने टाइम में से एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा. ठीक है, अगला सवाल है ट्रेनिंग टाइम पेरेंट्स से मिल सकते हैं क्या वहां? तो जी हां, आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, तो आपको एकेडमी के अंदर ही आप उनसे मिल सकते हो. आपको वहां से जब वो अलाउ कर देंगे, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके हेड है, तो उनके बाद आप वहां पर उनसे कुछ देर के लिए मिल सकते हो, उनसे हाय हेलो आप कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग टाइम में अगर हमारे बीच में कोई एग्जाम आ जाए तो क्या हम उन्हें देने जा सकते हैं? तो बिल्कुल आप देने जा सकते हो. ठीक है ना, और आपको छुट्टी भी मिलेगी, आपको उस एग्जाम का एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद आपको वो अलाउ करेंगे कि आप जाइए. 2 दिन का आपका पेपर का टाइम है तो आपको आना और जाना, 2 दिन का टाइम दे देंगे जिसमें आप अपना पेपर दीजिए और पेपर देकर वापस रिपोर्ट कीजिए ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर. ठीक है, अगला, इसके बाद ट्रेनिंग के बीच में हमारा कोई भी बड़ी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए तो, अगर आपका बड़ी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए तो आप बीच में ट्रेनिंग को छोड़ भी सकते हैं, उनके साथ ही होता है आपका. बाकी हर पोस्ट के वाइज आपके अलग अलग कुछ आपके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, बट आपकी जो SSC की पोस्ट होती है उनके अंदर अगर आपका बीच में हायर पोस्ट पे सिलेक्शन आ जाता है तो आप बीच में ट्रेनिंग को आप ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग में खाने में एग कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है. अगर आप एग नहीं है, आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन है तो आप जो वेजिटेरियन फूड है वो खाइए. अगर आप नॉन वेज है तो आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप वो वाला फूड खाइए. आप पे कोई भी बंदिश नहीं है कि अंडे खाओ, मांस खाओ, मीट खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है. अपनी पसंद का खाना आप खा सकते हैं. ठीक है, चलिए, ड्रेस खुद सिलवानी है या सिली सिलाई मिलेगी? तो देखिए ये वाला क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा वो है, शायद आपको वर्दी तो वो देते हैं, शायद आपकी वहां पर आपको फिटिंग करवानी होती है या क्या होता है, इसके बारे में मैं भी क्लियर नहीं हूं. सो इस चीज को बस मुझे इतना थोड़ा सा आइडिया है कि आपको शायद यूनिफॉर्म वो ही देते हैं और आपकी वहीं पर उनके जो टेलर वगैरह बैठते हैं पुलिस लाइन वगैरह में वही आपकी मेंटेन कर देते हैं, जहां तक मुझे नॉलेज है. बाकी इस सवाल के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे
बारे में इतनी ही नॉलेज है और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको दे दूंगा इसके बारे में, ठीक है। आपने 10K ट्रेनिंग में सैलरी बताई थी 21K मिलती है, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है ना। वो 10K नहीं था, वो 21K था, लेकिन वो 10K बोला गया और ये आपके वर्ड्स की हेरा फेरी हो गई है। सो ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी जो मिलती है वो 21,000 के करीब आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है भाई। ट्रेनिंग में एक ही ड्रेस मिलती है दो, तो एक ड्रेस तो आपको काम नहीं चलेगा क्योंकि एक ड्रेस आपकी गंदी भी हो जाएगी, एक ड्रेस आपकी धो दी आपने, सूखी नहीं, बरसात आ गई तो क्या करोगे। इसलिए आपको ट्रेनिंग में जो ड्रेसेस मिलती हैं वो एक से ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम चल रहा है तो ड्रेस पहन के आ सकते हैं या नहीं, बिल्कुल आप आ सकते हो ट्रेनिंग टाइम में ड्रेस पहन के, आपको इसमें कोई भी आपको नहीं रोकेगा, कोई भी बैग में डाल के आओ और बाद में आप पहन सकते हो। कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपने ड्रेस डाल ली है तो आपको कोई दिक्कत हो गई या आपको बाहर कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो अंजू मेहरा जो यूपीएससी ड्रीमर थे उनके सारे सवाल थे, अभी और देख लेते हैं फटाफट। बबीता गौतम पूछ रही है, नाइस इन्फॉर्मेशन सर। सर मुझे कंप्यूटर फाइल वर्क नहीं आता है, वैसे ऑफलाइन फाइल वर्क मैं कर लेती हूँ, ट्रेनिंग में कंप्यूटर करवाएंगे क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको ट्रेनिंग में कंप्यूटर का भी करवाएंगे, ऑफलाइन भी करवाएंगे, कोर्ट में भी ट्रेनिंग करवाएंगे, फाइल वर्क का भी करवाएंगे, आपको बिल्कुल ट्रेन कर देंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कंप्यूटर पर भी सिखा देंगे, ऑफलाइन भी सिखा देंगे, FIR दर्ज करना भी सिखा देंगे, फाइलें भी आपको पढ़ना सिखा देंगे, हर चीज बबीता जी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। अगला, प्रियंका तिवारी, बॉयज और गर्ल्स की ट्रेनिंग साथ होती है अलग अलग? तो बॉयज और गर्ल्स की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, बॉयज की वजीराबाद में और झारोड़ा कला के अंदर, गर्ल्स की करवाई जाती है, ठीक है। अगला, लव डिकोड्स ने पूछ रहे हैं, कुछ कुछ लेकर जा सकते हैं जैसे कपड़े और कुछ जरूरी सामान? बिल्कुल लेके जा सकते हो, सारे दिन आप वर्दी में तो पहनकर बैठे नहीं रहोगे कि सुबह से शाम वर्दी ही वर्दी पहन रखी है, आप अपना घर से कपड़े भी लेके जाने पड़ेंगे, आपको अपना सामान भी लेके जा सकते हो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाने पीने में अच्छा डाइट पसंद है, तो अपना घी लड्डू आप जो भी ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो, आपको बिल्कुल छूट रहेगी वहां पर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है वंशिका राणा का, अगर हम ऑफिस वर्क चाहें और सिक्योरिटी में लग जाएं तो चेंज हो सकती है क्या? तो देखिए, बाद की बात वो अलग है कि आप चेंज करते हैं, आप किसी और, कोई दूसरा आपकी आपकी जगह आना चाहे, आप उसकी जगह जाना चाहे तो आप कर सकते हो, बट आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी डिपार्टमेंटली आपको अलॉट करके देगा। आपकी इसमें ये नहीं है कि मुझे सिक्योरिटी दे दी तो मुझे फाइल वर्क चाहिए, मुझे फाइल है तो आप वहां पर बहस करोगे, पर्चियां निकालनी है, ऐसा नहीं होगा, वो आपको अलॉट करेंगे, आपको वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, गौरव पूछ रहे ट्रेनिंग मोबाइल रख सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप मोबाइल रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, इंस्टा फेसबुक चला सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जैसे आप फिजिकल कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, और उसके बीच में ऐसा नहीं है कि आप अपनी सेल्फी क्लिक कर रहे हो कि भाई ले अपनी सेल्फी अच्छी आ रही है और मैं रनिंग की वीडियो ले लेता हूं, तो आपको दिक्कत है। आप अपने पास फोन रखिए, अगर आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आप रस्सी पे चढ़ रहे हैं, आप पाइपों से निकल रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि आप जो खड़े हैं जिनका मॉक ड्रिल नहीं है अभी, जिनकी बाद में है, या आपकी कोई ड्रिल हो रही है, तो कि भाई आप मेरी रिकॉर्ड कर लो वीडियो, या आपके पास फोन रख लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। उसके बाद वंशिका राणा ने एक और है, सर पोस्टिंग वो अपनी मर्जी से देते हैं? तो बिल्कुल वो उनकी मर्जी है कि आपको क्या पोस्टिंग दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, आप अपनी वहां पर मर्जी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो यही सवाल थे आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड आज के Q&A में, होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं और आपको ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, साथ में नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, ठीक है। सो लाइक आप जरूर कर देना यार, लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक में कुछ भी नहीं लगता, बट लाइक देख के हमें पता है क्या लगता है कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं ना वो आपके लिए, वो आपको पसंद आ रही है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का वे है कि आप लाइक करते हो, हमें आपके डायरेक्ट आपका पता लग जाता है कि आपको पसंद आ रही है, ठीक है ना। सो लाइक जरूर कर देना, उसके बाद ठीक है शेयर कर देना दोस्तों के अंदर, और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस कमेंट का जवाब देने की। सो आज के लिए इजाजत दीजिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही, कल किसी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।